कमाल ये है, 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 कमाल। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, इसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। मैं इस शेर के साथ अपने शायर आमिर दिलकश को दावत इश्तेहार दे रहा हूँ कि खुशा वक्त है कि मेरी मौत तेरे कूची में आ जाए, खुशा वक्त है कि मेरी मौत तेरे कूची में आ जाए, यही तो जिंदगी का आखिरी अरमान है साकी। आमिर दिलकश, आइए अपने अपने जज्बाती पेश करें। कौमी तराना पेश करने जा रहा हूँ और तमामी हजरत की दुआएं चाहूंगा। अगर अंदाज अच्छा लगे तो दुआओं से इस तालिबे इल्म को नवाज दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लामा इकबाल साहब का लिखा हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पेश करने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये भी शेर सुने कि गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम रहता में, समझो वही हमें भी, समझो वही हमें भी, दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये भी देखें शेर, ये भी बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से रश्के जना हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐ आबरू दे गंगा, गंगा वो दिन है याद तुझे को, उतरा तेरे कनारे, उतरा तेरे कनारे,
हिंदोस्तां हमारा। और ये भी शेर बतौर खास लज़्ज़त फरमाए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, दोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। और ये भी शेर सुने कि कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और मक्ता भी समाप्त करें जो चाहूंगा कमल भाई देखिएगा मक्ता पेश करता हूं सुनिएगा कि एक बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, एक बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को, मालूम क्या किसी को दर से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां
का निर्माण किया जाए। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है, क्या बात है भारत, पहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के लिए क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली, साहब आप तो भर्ती में एक इंच कम भी नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, इन मानव अधिकारियों के कारण, इन आतंकों के बंगलों के हाथों इनकी आंखों की नाफनी हंसती है और शहीद हुए जवान की आंगन की तुलसी रोती है। जब शहीद हुए जवान की विधवा वेदना चीख चीख कर ही कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लमोटियाँ चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियाँ चली गई, आपके लिए तो इंसान मरा है साहब, मेरी बेटी तो रोटियाँ चली गई। मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अनवर जहाँ पे वो स्टेज पर आए, इस बच्ची की कम उम्री में इतना हम लोगों को इल्म दिया है कि इसी वजह से इसको गुलकोशी की दाद जा रही है। आप लोग भी हौसला अफजाई फरमाएं। मुबशरा खातून बिनते हाफिज आज़ाद साहब, इसकी सेहत के लिए भी दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द सेहत याबी अता फरमाए, और हम लोगों को भी हमारे मोहल्ले में भी हर फितन हर आफत बला से हिफाजत फरमाए। तो आज 15 अगस्त का इख्तिताम पर पहुँचा, सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी जगह पर बैठें और पानी पी कर जाएं। इंतज़ाम है आप लोगों के लिए, 10 मिनट आओ बैठिए। मोहम्मद अरशद जहाँ पर हो वह स्टेज पर आए।